अब बजट के अंदर ईयरबड्स काफी दिनों से तुम सर्च मार रहे होगे, लेकिन यहां पर तुम्हें 1000 रुपए से नीचे कोई बढ़िया TWS अगर नहीं मिल रहे तो ये वीडियो पूरी जरूर देखना। आज हमारे पास है विंग्स की तरफ से आने वाले उनके एक और बजट के अंदर आने वाले ईयरबड्स, वो भी गेमिंग वाले। ये है विंग्स फैंटम 700। अब मॉडल नंबर 700 है, लेकिन मॉडल नंबर से थोड़ी सी बस प्राइसिंग यहां पर आपको देखने मिलेगी। 899 के अंदर लॉन्च हुए। आज बताने वाला हूं भाई क्या क्या चीजें हैं इसमें, लेने लायक है या फिर नहीं है, सब चीजों की बात करेंगे। जल्दी से इसकी बात करते हैं। वैसे बॉक्स कुछ ऐसा आप लोगों को देखने मिलेगा, और बॉक्स के अंदर क्या क्या है, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन, स्टिकर्स मिल जाएंगे, चार्जिंग केबल है, ए टिप्स मिल जाएंगी, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये, इसका जो केस है वो कुछ ऐसा दिखता है, और ये कुछ कुछ पिकाचू जैसे शेप है या फिर एलियन टाइप शेप है, और इसकी बात करते हैं। बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है, और यहाँ पर जो एवरेज बिल्ड मैं कहूँगा, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर आप किसी से कंपेयर करो तो हाँ, आपको पॉलीकार्बोनेट ठीक ठाक क्वालिटी वाला मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर आपको 2 आँखें मिल जाती है, और गाइज ये जो आँखें हैं ना, मतलब कलर चेंज करती रहती है, मतलब जब तक आपके TWS चार्ज होते रहेंगे ये कलर चेंज करती रहती है। सारे कलर्स इसके अंदर आपको मिलेंगे, और कभी कभी ये डिफरेंट कलर के अंदर भी आपको लाइटिंग देखने को मिलेगी। अब अच्छी बात ये कर रखी है कि दोनों तरफ इन्होंने प्रोटेक्टिंग फिल्म लगा रखी है, वो काफ़ी सही लगेगी, मतलब आपको लॉन्ग टर्म में कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं मिलेंगे। टाइप सी यहाँ पर मिल जाता है, और अगर मैं ईयरबड्स की बात करूँ तो यहाँ पर जो ये डिज़ाइन है, ये लॉन्ग स्टेम या फिर लंबी डंडी जिनको बोलते हैं ना काफ़ी लोग भाई, वो मिल जाते हैं, और ये इन ईयर डिज़ाइन के अंदर आते हैं। तो तुम्हें पता है भाई, इन ईयर डिज़ाइन मेरे कानों में बहुत अच्छी तरीके से फिट आती है, और इसकी जो शेप दे रखी है ना, वो थोड़ी सी और मतलब और अच्छे से फिट आती है, और लाइट वेट है, वैक्यूम थोड़ा सा क्रिएट करते हैं। बाहर का भाई मुझे कुछ सुनाई दे रहा, मतलब बहुत कम सुनाई देता है, और फिटिंग अच्छी है, मतलब रनिंग वगैरह कर सकते हो, जिम वगैरह में यूज़ करना वो भी कर सकते हो। और इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको पॉलीकार्बोनेट वाली मिल जाएगी, लेकिन जिस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आने, बिल्ड क्वालिटी मैं अच्छी बोलूँगा यहाँ पर। वैसे जब इनको मैं ओपन कर रहा था ना, तो जो स्मेल थी ना, वो नए नोकिया के फोन में जैसी आती है ना, वैसे कुछ कुछ स्मेल आ रही है। बाकी ये वाले जो ईयरबड्स हैं, ये भाई टच कंट्रोल है, इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर भी आपको टच सेंसर मिल जाते हैं, यहाँ पर आप प्ले, पॉज, नेक्स्ट, प्रीवियस, इवन यहाँ पर आपको गेमिंग मोड का ऑप्शन मिलता है, तो आप यहीं से स्विच कर सकते हो, और यहाँ पर आपको वॉइस असिस्टेंट का फीचर भी मिल जाता है, वो 3 सेकंड के लिए टैप करके रखोगे राइट वाला, तो भाई काम करने लगता है। बाकी गाइस फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो बॉक्स के ऊपर हमें देखने को मिलता है भाई, यहाँ पर आपको 38 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है केस के साथ, बड़ा केस है, और यहाँ पर अगर बात करूँ जो सिंगल TWS है, लगभग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 से 4 घंटे के आसपास जो ऑडियो आउटपुट है वो आप यहाँ से आराम से ले सकते हो। बाकी इससे ज़्यादा भी चल जाएंगे, डिपेंड करता है आपके म्यूजिक वॉल्यूम के ऊपर कितने परसेंट पे आप सुन रहे हो। साथ में यहाँ पर आपको लो लेटेंसी के लिए भाई गेमिंग आउटपुट जो मिलता है वो है 40 ms का, और जहाँ से आप मतलब गेम वगैरह आराम से खेल पाओगे, यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखोगे तो काफ़ी हद तक जो ऑडियो वो सिंक तरीके से आती है। साथ में यहाँ पर आपको मिल जाते हैं SNS, यहाँ पर मतलब माइक्रोफोन के लिए दे रखा है, तो आपकी जो क्वालिटी है माइक्रोफोन की वो भी इंप्रूव होगी, लेकिन मैं बताऊंगा यहाँ पर कि माइक्रोफोन का आउटपुट काम कैसे करता है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पर आपको फास्टर कनेक्टिविटी ब्लूटूथ 5.3 दे रखी है, और यहाँ पर बस एक बार पेयर करना पड़ेगा आपको, और आपके फ़ोन के साथ झट से ये कनेक्ट हो जाएंगे। साथ में यहाँ पर आपको 13 mm के ऑडियो ड्राइवर मिलते हैं एक सिंगल ईयरबड के अंदर, बड़े ड्राइवर साइज हैं, और देखूंगा मैं भाई ऑडियो कैसा, वैसे मैंने सुन लिया है, लेकिन आपको डिटेल के साथ बताऊंगा ऑडियो आउटपुट कैसा मिलता है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, अब गर्मियां चालू होने वाली हैं, पसीना आएगा, जिम वगैरह में जाओगे तो वहां पर भी पसीना आएगा, तो यहां पर IPX5 की रेटिंग भी दे रखी है, पसीना भी झिल जाएगा हल्का फुल्का, अगर रेन वगैरह कहीं आ रही है तो भाई उसको भी आराम से झिल जाएंगे, कोई इसमें इश्यू आपको नहीं मिलेगा। साथ में अब इनके अंदर फीचर नहीं, लेकिन इसके साथ एक फीचर जरूर आता है, वो है ऐप सपोर्ट का, तो यहाँ पर आपको विंग सिंक करके जो ऐप है वो इसके साथ मिल जाएगी, प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कर सकते हो, और ये उसके साथ पेयर हो जाते हैं, तो वहाँ से आप क्या क्या फीचर इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले आप इक्वलाइजर मोड चेंज कर सकते हो, जितने मर्जी वहाँ पर आपको 8-10 इक्वलाइजर मोड आते हैं वो चेंज कर सकते हो। साथ में आपको टच कंट्रोल अगर कस्टमाइज करना है तो वो आप कर सकते हो। शटडाउन टाइमर का ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है। साथ में यहाँ पर आपको अपने ईयरबड्स की लोकेशन फाइंड करनी है तो भाई वो भी चेक कर सकते हो। इसके अंदर जो RGB लाइटिंग वगैरह होती है भाई, उसको भी आप बंद चालू या फिर उसका जो कस्टमाइजेशन है वो भी वहां से आप यूज कर सकते हो। साथ में वहीं से आप गेमिंग मोड वगैरह में भी स्विच कर सकते हो। लेकिन बता दूं, यहाँ पर मैं काफी बार ट्राई कर चुका हूँ, अभी तक मेरा जो फोन के साथ ये जो TWS है, फिर जो ऐप के साथ जो TWS है, ये कनेक्ट नहीं हुए। इससे पहले मैंने सारे TWS कनेक्ट करा लिए थे, लेकिन ये वाले काफी मतलब करने के बाद भी कनेक्ट नहीं हुए, तो ये थोड़ा सा डिस्क्लेमर है आप लोगों के लिए, अगर आप ऐप वगैरह के तौर पर देख रहे हो तो। अब गाइस बात करते हैं माइक्रोफोन के आउटपुट के बारे में, कि भाई माइक्रोफोन का आउटपुट यहां पर आपको
कैसा एक्सपीरियंस दिलाएगा जब आप इंडोर कंडीशन में बात करोगे। साथ में हम बात करते हैं इसके बाद गेमिंग आउटपुट कैसा मिलता है। बाकी गाइस मैंने स्विच करते हैं इसके माइक्रोफोन के ऊपर और यहाँ पर SNS करके टेक्नोलॉजी आती है, यहाँ पर आपको फुल फॉर्म दिखाई दे रही होगी। और यहाँ पर अगर हम बात करूँ तो भाई ये जो ऑडियो क्वालिटी आप सुन रहे हो ना, ये इसके माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और देख लो बजट के अंदर भी मतलब मेरे को लगता है ये काफी सही आउटपुट आ रहा है। लेकिन आप बताओ आपको कैसा आउटपुट लग रहा है अगर आप 900 रुपए के अंदर कोई TWS खरीद रहे हो। मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं करा था, लेकिन आप बताओ आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में लिखते जाकर। और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो तुमने कर दिया होगा, और नहीं करा ना भाई कर दो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो। अब गाइज आपने माइक्रोफोन का आउटपुट सुन लिया, गेमिंग का आउटपुट सुन लिया, अब बात करते हैं यहां पर ऑडियो क्वालिटी कैसे मिलती है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 899 के अंदर लॉन्चिंग प्राइस है, तो भाई प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। मतलब इस प्राइस के अंदर मुझे लगता है कि कोई अच्छे TWS जिसके साउंड क्वालिटी काफी अच्छी होगी नहीं आते होंगे, लेकिन इसमें ये बात एकदम उल्टी है। सबसे पहले अगर आप वोकल्स वगैरह सुनोगे ना, मतलब अगर आपको ये मैं TWS का केस ना दिखाऊं और ये बताऊं कि भाई प्राइसिंग कितनी भी नहीं है इसकी, बस आप सुनो, तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप 900 रुपए के TWS को सुन रहे हो। सच में यहां अगर अगर आप आंख बंद करके सुनते हो, उन्होंने बोल नहीं सकते कि भाई आप 900 रुपए के अंदर आने वाले TWS को सुन रहे हो। तो यहां पर आपको वोकल्स काफी अच्छे मिल जाते हैं, क्लियर हैं, और मैं बोलना चाहूंगा अगर आप 100% पे जाओगे तो थोड़ा सा लाउड और थोड़ी सी मतलब आपको डिस्टर्बेंस देखने मिलती है, लेकिन मतलब इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको ऑडियो काफी सही मिल जाएगा। मतलब अगर आप 400-500 वाले TWS अभी तक सुन रहे थे या फिर नेक बैंड सुन रहे थे ना, और उससे आप अपग्रेड कर रहे हो, तो भाई आपको बहुत ज्यादा मतलब एक लीप मिलेगी, एक मतलब एक अलग सा ही एहसास होगा, ये मैं बोल सकता हूँ। साथ में अगर आप बेस वगैरह की बात करोगे तो बेस आउटपुट काफी जबरदस्त है, यहाँ पर कोई फटने जैसी आवाज नहीं आती, या फिर मैं बोलूंगा कि कोई चिरपिंग आवाज नहीं आती, चिरपेर जो स्पीकर करते रहते हैं वो भी आवाज नहीं आती, और लाउड बहुत ज्यादा है, और जिन लोगों को बहुत ज्यादा लाउड या फिर बेस वाले सॉन्ग पसंद है उनको जबरदस्त पसंद आने वाला ये, और वो भी बजट के अंदर। साथ में ये जो TWS है ना डबल AC कोडेक को सपोर्ट करते हैं, मैं ये बताना भूल गया शुरुआत में, लेकिन अब बता रहा हूँ। अब डबल AC जो कोडेक को सपोर्ट करता है ना कोई भी TWS, तो भाई वहां पर आपको हाई क्वालिटी जो ऑडियो है वो एक्सपेक्टेशन हो जाती है, और यहां पर भी यही चीज मतलब मिल जाती है आपको। तो मुझे काफी सही लगा भाई 899 के अंदर आने वाले एयरबड्स अब डबल AC कोडेक को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है ये काफी सही चीज है। तो यहां पर ऑडियो को मैं अगर रेटिंग देना चाहूं तो भाई प्राइस के अकॉर्डिंग 10 में से 9 नंबर देना चाहूंगा। अगर इसकी प्राइसिंग ज्यादा होती ना तो शायद नंबर कम हो सकते थे, लेकिन जिस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आ रहे ना, मतलब आप बिल्कुल ले सकते हो उन्हें। तो कंक्लूजन यही है कि अगर आप 899 के अंदर कोई एयरबड्स ढूंढ रहे हो गेमिंग लुक के साथ, यहां पर गेमिंग TWS और अच्छी बैटरी बैकअप के साथ, तो बिल्कुल इसकी तरफ जा सकते हो। बस यहाँ पर आपको ऐप का कनेक्शन मुझे लगा मेरे वाले ईयरबड्स के अंदर कनेक्ट नहीं होती, लेकिन शायद आपके वाले में कनेक्ट हो जाए, बस ये चीज़ मुझे थोड़ी सी नेगेटिव लगी, बाकी सारी चीज़ें काफ़ी सही हैं इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर। लिंक मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके देख सकते हो, वहाँ पर आपको ये वाले जो ईयरबड्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। बाकी वीडियो यहीं पर खत्म कर रहा हूँ, मैं मिलूंगा आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।